शेख हमीदुद्दीन नागौरी। इनके गुरु का नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गुरु भाई ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनकी पत्नी का नाम बीबी खदीना, पत्नी का नाम बीबी खदीना, पत्नी का नाम है बीबी खदीना। बीबी खदीना भी दृढ़ आध्यात्मिक संकल्प वाली या चरित्र वाली महिला थी, ठीक है, आध्यात्मिक चरित्र वाली महिला। शेख हमीदुद्दीन नागौरी सोन गांव नागौर को अपना केंद्र बनाया, ठीक है, सोन गांव नागौर को अपना केंद्र बनाया। नागौर को अपना केंद्र बनाया और यहीं से इस्लाम का प्रचार किया, ठीक है। इस्लाम का प्रचार कहां से किया? सोन गांव नागौर, ठीक है, इस्लाम का प्रचार किया। इसके समकालीन दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश, कौन था? इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम, किसकी उपाधि थी? शेख उल इस्लाम की उपाधि थी, ठीक है। परंतु क्या है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने इसे अस्वीकार कर दिया, उपाधि नहीं ली। उपाधि लेने से इनकार किसने कर दिया? हमीदुद्दीन नागौरी ने उपाधि लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। किंतु इल्तुतमिश की क्या थी, इनमें दृढ़ श्रद्धा थी, ठीक, बहुत ज्यादा श्रद्धा होने के बावजूद इसने क्या करवाया, ठीक है, इनके मुख्य स्थान पर, ठीक है, एक दरवाजे का निर्माण करवाया। उस दरवाजे को क्या कहते हैं? अतारकिन का दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? तारकिन का दरवाजा। अतारकिन के दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया? 1230 में। 1230 में करवाया गया, ठीक है। संत होते हुए भी कृषि कार्य से अपना जीविकोपार्जन करते थे। जीविकोपार्जन किससे करते थे? कृषि करता, खेतियों को पेट पालता, ठीक है, यानी कृषि कार्य से अपना जीविकोपार्जन करते थे। कृषि कार्य से जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन करते थे, ठीक है। अब देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनकी आध्यात्मिकता और धैर्य को देखते हुए इन्हें सन्यासियों का सुल्तान कहा, ठीक है। किसने दी उपाधि? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। क्या कहा इन्हें? सुल्तान उल हिंद, या फिर सुल्तान उल तारकिन की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? सुल्तान उल तारकिन की उपाधि। सुल्तान उल तारकिन का मतलब क्या है? सन्यासियों का सुल्तान। सुल्तान उल तारकिन की उपाधि किसने दी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सन्यासियों का सुल्तान। बार बार ये प्रश्न आता है, सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हमीदुद्दीन नागौरी को कहा जाता है, ठीक है। अब इनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है? इनकी दरगाह बनी हुई है गिन्नाड़ी या फिर
निगाह गांव ठीक है, दरगाह कहाँ है इनकी? गिनाने, ठीक है, इनकी दरगाह काम नहीं हुई भाई, गिनाने गांव। या फिर कई बुकों में क्या लिखाता है? निगाह गांव। कौन सा गांव है? निगाह गांव। और वर्तमान समय में ये कहाँ पर है? निगाह गांव नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। अब ख्वाजा साहब के उसके बाद रास्ता का दूसरा सबसे बड़ा उर्स किनका भरता है? नागौरी का भरता है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा उर्स किसका भरता है? नागौरी। दूसरा सबसे बड़ा उर्स, दूसरा सबसे बड़ा उर्स किसका है? हमीदुद्दीन नागौरी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, इस्लाम से संबंधित होते हुए भी एकमात्र सूफी संत या संत इस्लाम, इस्लाम के अंदर देखो ये क्या है, हिंदी में ही वार्तालाप करते थे, उर्दू का कहीं भी प्रयोग नहीं करते थे। किस में वार्तालाप करते थे? हिंदी में वार्तालाप करते थे, ठीक है, हिंदी में वार्तालाप करते थे, हिंदी में वार्तालाप करते थे, ठीक है। और इनके दोहे भी किस में लिखे हुए हैं? हिंदी में लिखे हुए, ठीक है। इन्होंने दोहे भी कौन सी भाषा में लिखे? हिंदी में। दोहे भी हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बोलो गुरु का नाम? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, पत्नी का नाम? बीबी खदीना। ठीक है, ये भी क्या है? दृढ़ आध्यात्मिक चरित्र वाली महिला थी। इनका मुख्य केंद्र सुवल गांव नागौर को बनाया। इन्होंने मुख्य केंद्र किसको बनाया? सुवल गांव नागौर को बनाया। और इन्होंने क्या किया? इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। ठीक है, अब देखो भाई, इल्तुतमिश इनके समकालीन था। दिल्ली का शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? शेख उल इस्लाम की उपाधि दी, ठीक है। किंतु हमीदुद्दीन नागौरी ने इन्हें इसे अस्वीकार कर दिया। उपाधि का तो तेरा दरवाजे का निर्माण करवाया। कौन से दरवाजे का निर्माण करवाया? अतारकीन का दरवाजा। कौन सा दरवाजा है? अतारकीन का दरवाजा। निर्माण कब करवाया? 1230 में, ठीक है। और जीव को पार्थन किससे चलाते थे? कृषि कार्य से जीव को पार्थन चलाते थे। किससे चलाते थे? कृषि कार्य। और इनकी दरगाह कहाँ बनी हुई है? गिनानी या निगानी गांव नागौर में बनी हुई। एकमात्र सूफी या फिर इस्लाम से जुड़े हुए संत जो हिंदी में वार्तालाप करते थे और हिंदी में ही दोहे लिखते थे। कौन से थे? हमीदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा साहब के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्कृष्ट है शेख हमीदुद्दीन नागौरी का। और देखो ख्वाजा साहब ने इन्हें कौन सी उपाधि दी? सुल्तान उल तारकीन, या फिर इन्हें क्या कहा जाता है? सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, ठीक है।